हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इस तरह से बेसिक सीन कैसे क्रिएट करते हैं वॉल्स एंड डोर्स टूल को यूज़ करते हुए 3ds Max। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ में ये भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि क्या हम एक कंप्लीट इंटीरियर सीन या एक्सटीरियर सीन सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉस्मोस को यूज़ करते हुए, मतलब कोई भी मैनुअल मॉडलिंग नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपको 3ds Max ना सीखना पड़े और आप सिर्फ कॉस्मोस को यूज़ करते हुए 3ds Max में एक सीन क्रिएट कर लें, तो क्या वो पॉसिबल है? और अगर आपने अभी तक कॉस्मोस डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिलेगी, आपको जाके देखिए या आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए। वो वीडियो से आपको पता चलेगा कि कॉस्मोस कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करना है। अभी के लिए मैं सारे कॉस्मोस से मॉडल इम्पोर्ट कर लेता हूँ और सीन सेटअप करके वापस आता हूँ। मेरा कॉस्मोस से सीन सेट हो चुका है और मैंने लगभग सारे मॉडल्स इंपोर्ट कर लिए हैं। बाकी जो कुछ कमी लगेगी वो हम बाद में इंपोर्ट करते रहेंगे और उसको सेट कर लेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं कैमरा सेटअप पे और कैमरा सेट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैमरा कैसे सेट करता हूँ और रेंडर्स की सेटिंग्स में क्या यूज़ करता हूँ, HDRI कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए मैं जिस व्यूपोर्ट से कैमरा सेट करने वाला हूँ, शिफ्ट टैब प्रेस करके वहाँ से कैमरा सेट कर लेता हूँ। उस व्यू पे जाऊँगा जहाँ से मुझे कैमरा चाहिए और लेफ्ट साइड का टूल बार यूज़ करते हुए वीरे फिजिकल कैमरा को एक्टिवेट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा सेटअप हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कैमरा के जो रेंडर हो वो वॉल्स के अंदर से हो, तो मैं क्लिपिंग प्लेन का यूज़ करते हुए वो उत्ता पार्ट जो मुझे कैमरा में नहीं चाहिए वो क्लिप कर दूँगा। इसके बाद मैं रेंडर सेटिंग्स अप्लाई करके और कुछ मॉडल में चेंजेस करके सेटअप रेंडर कर लूँगा इसको। तो मैं आपको मिलता हूँ रेंडर के बाद, और रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है इसमें, क्योंकि जो हमारी जो पॉलीगॉन मॉडल होता है इसका, वो काफ़ी कम डेंसिटी का होता है क्योंकि ये पूरा वीरे मैश पे डिपेंड करता है, मतलब सारी प्रॉक्सीज होती हैं। तो आप एक्चुअल मॉडल्स अगर इम्पोर्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम रहेगा रेंडर करने में, पर आप कॉस्मोस यूज़ करते हुए मॉडल करेंगे तो आपका काफ़ी कम टाइम लगने वाला है रेंडर करने के लिए। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा सीन बना लिया है, मुझे बहुत ही कम मैनुअल डिज़ाइनिंग का नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है इसको डिज़ाइन करते टाइम। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो क्या 3ds Max को यूज़ सीखे बिना आप कॉस्मोस को यूज़ करते हुए पूरा सीन क्रिएट कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा हाँ यार, आप कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। आप देख सकते हो ये सीन कितना अच्छा दिखने वाला है रेंडर करने के बाद। ऑब्वियसली आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी, एक दो अटैम्प्ट तीन अटैम्प्ट लगेगा अच्छा रेंडर निकालने से पहले, बट आप फ्री नहीं है, मतलब अगर आप किसी एक थीम को फॉलो करना चाहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको कुछ मॉडल्स कॉस्मोस में मिलें या ना मिलें, तो उसमें हम बात करने वाले हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम ये देखेंगे कि क्या ये मॉडल ज़्यादा अच्छा क्रिएट हुआ है या फिर जो हमने मैनुअल मॉडल्स इंपोर्ट करके बनाया है वो ज़्यादा अच्छा क्रिएट हुआ है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा
और आपको 3ds Max आता है कि नहीं, या फिर आप भी सोच रहे हैं कि कॉस्मोस के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। और ये भी बताइए कि क्या आप आगे जाके सीखना चाहेंगे 3ds Max, तो मैं प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा 3ds Max ट्यूटोरियल्स पे। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ और मैं आता हूँ वापस रेंडर करने के बाद। तो मेरी मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं अनहाइड ऑल करके जल्दी से इसको रेंडर पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगने वाला है। तो अभी के लिए मैंने जैसे ही इसको रेंडर पे हिट किया तो मुझे ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया था और मुझे इसका एक्सपोजर काफ़ी कम लग रहा था, तो मैंने एक्सपोजर बॉक्स ऐड करके इसमें एक्सपोजर बढ़ाया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये सीन काफ़ी खाली खाली लग रहा है, आपको दीवार खाली लग रही होगी, लाइट थोड़ी कम लग रही होगी सीलिंग पर, आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं है। तो मैंने कुछ और मॉडल्स इंपोर्ट किए हैं 3ds Max पे कॉस्मोस से और आपको फाइनल रेंडर में दिखाता हूँ कि कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फाइनल रेंडर था। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन बीच में किया था कि आप 3ds Max सीखे बिना कॉस्मोस को यूज़ करते हुए पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीन कितने अच्छे से रेंडर हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, लाइट वगैरह कितनी प्रॉपर आ रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसी सीन पे, सेम सीन हम डिज़ाइन करने वाले हैं वापस से बट विदाउट कॉस्मोस, मतलब कॉस्मोस और मैनुअल डिज़ाइनिंग दोनों यूज़ करते हुए। तो कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, आप क्या कॉस्मोस से कंटिन्यू करना चाहेंगे या मैनुअल डिज़ाइनिंग भी सीखना चाहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस के लिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।